नमस्कार, आज के बीआईसी स्ट्रीम्स कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है लता सिंह और प्रिया राव, जो बताएंगे और बांटेंगे हमारे साथ लता जी की कहानी और चर्चा होगी उनके संघर्ष के विषय पर। आज की चर्चा का शीर्षक है प्यार किया तो डरना क्या, द फाइट फॉर लव, लता सिंह एंड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ये चर्चा ILP इंडिया लव प्रोजेक्ट के सहयोग से मुमकिन हुआ है। हमारे मेहमानों का पूर्ण परिचय आपके चैट बॉक्स पे पढ़ सकते हैं और आपके प्रश्नों को Q&A बॉक्स में दाखिल करते हैं, जो लता जी और प्रिया एड्रेस करेंगे। अभी मैं बुलाना चाहूंगी समर हल्लारकर को, जो ILP के बारे में परिचय देंगे। ओवर टू यू समर। वी जस्ट स्टार्टेड इंडिया लव प्रोजेक्ट अबाउट 10 डेज अगो, because we have kept hearing so much about love jihad and the divisive times that we live in. So we had thought about this for the last 1 year, but we decided to start it only now when this conversation started becoming very public. So India Love Project is very simple. It is a forum and a community where people who have shared love beyond the boundaries of faith, caste, ethnicity and gender can find a home. And that is all it is. We do not tell the stories. We let people tell their own stories. Okay. आज के कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जिसने अपने जिंदगी के में जो संघर्ष फेस किया है और जिस तरह के की लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी हैं अपने एक मूल अधिकार के लिए, और वो मूल अधिकार है अपना खुद का पार्टनर चुनना। जो हम और आप काफ़ी सारे लोग इस बात को बहुत साधारण सा समझते हैं क्योंकि हम लोग के लाइफ में कभी इस तरह का संघर्ष आया ही नहीं, पर लता सिंह जी आज हमारे साथ जुड़ी हैं और लता सिंह इस संघर्ष का एक जीता जागता मिसाल हैं, और आज हम इनकी कहानी इन्हीं के जुबान सुनने जा रहे हैं। लता सिंह जी, आपका BIC प्रोग्राम्स में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सो लता सिंह जी, अब हम आपकी कहानी शुरुआत से ही शुरू करना पसंद करेंगे, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपकी कहानी जो आपकी जो इस जजमेंट की कहानी है, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP एंड अदर्स, जो एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है और उसमें जस्टिस काजू ने राइट टू चूज योर पार्टनर के बारे में बहुत कुछ लिखा भी है, तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट अपनी जगह है, पर इसके पीछे जो कहानी छुपी हुई है वो आपकी व्यक्तिगत कहानी है, तो हम जानना चाहते हैं इस कहानी के बारे में आपसे। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, यूपी के फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से, और मेरे हस्बैंड फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है भरखा, और मेरे हस्बैंड भी उसी गांव के हैं, मैं भी उसी गांव की हैं। थोड़ा सा ये है कि मैं जिस राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ उसके 16 गांव हैं एक ही कास्ट के, राजपूत ओनली, और गुप्ता परिवार उन 16 गांव में से ओनली वन एक फैमिली। तो गांव में अगर हम कहें कि हमारा प्यार कैसे हुआ, तो ये जब भी जिन लोगों को बताती हूँ उनको थोड़ा सा अजीब लगता है कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारा प्यार शुरू कब हुआ, क्योंकि गांव में जिस तरीके से एक दूसरे के घर पे आना जाना होता है उसी तरीके से हमारे घर में भी था कि लोग सब फैमिली मेंबर एक दूसरे के आते थे, उसी सब साथ ही साथ में बड़े हुए हैं, खेले हैं। तो ये स्पेशल अटैचमेंट कब हुआ, शुरुआत कब हुई, ये नहीं पता चला। ये थोड़ा सा तब लगा जब मैं 12th करने के बाद में 12th से लखनऊ आ गई, उससे पहले थोड़ा सा गांव में जब थे तब लगा कि हाँ एक दूसरे को पसंद करते हैं। 12th करने के लिए जब मैं लखनऊ आई और मेरे हस्बैंड बिजनेस करने के लिए दिल्ली चले गए, तो उस बीच में 12th से लेके ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर तक हम लोगों के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ। उस समय सेल फोन वगैरह नहीं होते थे,
तो हम लोग ने मतलब मिलना या बात करना ये दोनों ही नहीं हो पाए। फिर मैं अपने भाई की शादी में गांव गई और उसी समय बाय चांस मेरे हस्बैंड भी अपने गांव आए हुए थे। उस समय हमने अपने फोन नंबर एक दूसरे को दिए और ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से मेरी फिर से बातचीत शुरू हुई। तो फोन पे बातचीत ही होती थी कभी कभार, महीने में एक दो बार। और एमए जब मैं कर रही थी, और एक्चुअली जब मैं 8th कर रही थी उस समय मेरे फादर गुजर गए और 12th करते समय मेरी मदर गुजर गई। तो मैं अपने भाई भाभियों के साथ में ही रहती थी। तो एक ग्रेजुएशन करने के बाद में मुझे थोड़ा सा अकेलापन, मुझे लग रहा था कि वो अटेंशन शायद जो घर में मुझे मिलनी चाहिए शायद नहीं मिल रही है। उससे पहले हम लोग एक दूसरे को चाहते जरूर थे, पर ये दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था कि हम लोगों की शादी नहीं हो पाएगी। कुछ पारिवारिक चीजें ऐसी इस तरीके की हैं, कुछ इस तरीके का था। वहाँ पे मेरे भाई एक बहुत अच्छे वहाँ के नेता माने जाते थे, ज्यादातर वहाँ पे जिस भी पार्टी का मतलब जीतनी है उसको मेरे भाई से संपर्क करना पड़ता था। तो इतना एक बहुत बड़ा अच्छा वो रखता थे समाज में, इसलिए लगता कि नहीं शादी तो नहीं हो पाएगी हम लोगों के साथ। लेकिन जब एमए करने के बाद में घर में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां बनी कि अचानक मुझे शायद मुझे एक 10 मिनट में ये डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं मुझे तो शादी करनी है। और मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया और पूछा क्या मुझसे शादी करोगे और आपको आपका जो भी डिसीजन हो हाँ या ना अभी बोल दो, क्योंकि बाद में तुम बहुत सारे वो बताओ, कंडीशन बताओ और अपनी मजबूरी बताओ, तो उतना सब लंबा चौड़ा नहीं सुनना है मुझे, और बताओ तो मुझसे शादी करोगे क्या। तो हस्बैंड बोले हाँ ठीक है बताओ क्या करना है। मैंने कहा ठीक है आप लखनऊ आ जाइए। और उस बार पहली बार भी लखनऊ आए और लखनऊ एक नवंबर को वो आए हैं लखनऊ और 2 नवंबर को मैं घर से निकली हूँ दिल्ली के लिए। 3 तारीख को हम लोग दिल्ली पहुंचे हैं 3 नवंबर को। और 3-4 दिन तक वकील से बात करने के साथ मैं अपने दोस्त के हस्बैंड के दोस्त के यहाँ पे ही रही हूँ 3-4 दिन तक। और 7 नवंबर आज के ही दिन हम लोगों ने शादी की थी। अरे वाह, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज एक तरह से आपकी मैरिज एनिवर्सरी है ना? हाँ 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। हम लोग ये सोच के मतलब शादी की थी कि साथ में रहेंगे, अगले ही दिन से ऐसा नहीं हुआ कि मतलब हमें लगता था कि बहुत अच्छे दिन होंगे साथ साथ रहेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमारे बीच में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, मिलना जुलना नहीं होता था। तो मुझे ये लग रहा था कि मेरे फैमिली वालों को नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ किसके साथ में हूँ। पर पता नहीं किस तरीके से शायद मेरे परिवार वालों को मेरी शादी के दूसरे या तीसरे दिन ही पता चल गया। और ये बात भी हमें पता चली कि आपके भाई लोग जो हैं आपको लेने के लिए आ रहे हैं दिल्ली। तो मैं ये अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर थी कि जैसे ही मैं अपने भाई लोगों को मिलेंगे तो मैं और मेरे हस्बैंड उसी समय ही मारे जाएंगे। मतलब मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि वो मुझसे कहें कि घर वापस चलो या ऐसा क्यों किया है, ये क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे। अच्छा, तो आपको अपनी जान का खतरा था उस वक्त? हाँ, ना सिर्फ मेरी जान बल्कि हस्बैंड की, और मेरे हस्बैंड की फैमिली को भी पता चल गया था कि मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझसे शादी की है। तो एक ही गांव के चूंकि है तो वो पूरी फैमिली सहित वो भी वहां से सब कुछ अपना वहीं का वहीं छोड़ के और चले गए, भाग गए। और मेरी दो एक समय ननद थी, एक छोटी ननद, उसको उन्होंने मेरे हस्बैंड के भाइयों ने उसके मामा के यहाँ छोड़ा और बाकी सभी लोग भाग के जयपुर आ गए, राजस्थान जयपुर में। मुझे ये पता चला कि मेरे भाई लोग आने वाले हैं किसी तरीके से। तो हमने उस दिन तो अपने आप को एक कमरे में लॉक किया और बाहर से ताला लगवाया अपने पड़ोसियों से कि आप बाहर से ताला लगा दो। और पूरी मतलब पूरा दिन इसी तरीके से निकला। किसी तरीके रात को 11 बजे हम लोग निकले, मैं और हस्बैंड, और हम लोग बस स्टेशन पे पहुंचे और हमें हिमाचल की गाड़ी मिली बस सबसे पहले।
और हम लोग हिमाचल की उसी बस में बैठ के हिमाचल पहुंच चले गए मंडी जिले में। और वहां जाके तो वहां पे किसी तरीके से ये था कि अब आ तो गए हैं और रिसेंटली हमने शादी एकदम मतलब ऐसा कुछ नहीं था, प्लानेट नहीं था कुछ नहीं, तो हाथ में कुछ पैसा भी बहुत ज्यादा नहीं था, तो ये था कि क्या करें और क्या खाएं कैसे खाएं। तो हम लोग मंडी में रहे एक दो दिन, और ये था कि यहाँ पे वहाँ पे मंडी में मेरे हस्बैंड के कुछ रिलेटिव्स रहते थे, तो ये सोचा कि यहाँ नहीं रहेंगे, क्या पता किसी ना किसी थ्रू पता ही चल जाए। तो हम लोग मंडी रहे, वहां से फिर सुंदर नगर गए। इस तरीके से हमने हिमाचल में 3 महीने रहे और वहां पे हमने हर 20 दिन बाद अपनी जगह चेंज की। इसी बीच में मेरे हस्बैंड ने ऑडियो कैसेट जो आती थी उस समय चलती थी उसको बेचने का काम किया जगह जगह घूम के। तो इस तरीके से लाइफ चलती रही। फिर अचानक एक दिन मुझे पता चला कि वहां पे मैंने इतना किया कि मैंने सोचा कि पीछे से अगर कोई परिवार वालों को पकड़ लेता है पता नहीं क्या करेंगे, पुलिस पता नहीं क्या एक्शन लेगी। तो वहां में मैंने हिमाचल में भी बैठे बैठे काफी एप्लीकेशंस एसपी को एसएचओ को लिखी वहां से बैठे और बाय पोस्ट की वहां से। फिर वहां पे मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड एक दिन आए वापस और बोले कि भाई लोग, दोनों भाई लोग आए हुए हैं यहाँ पे, मेरे हस्बैंड के भाई। तो और मेरे भाई भी ढूंढने निकले हुए थे मुझे, और मेरे हस्बैंड के भी भाई लोग मुझे ढूंढने निकले थे, क्योंकि वो जहाँ भी अपनी हेल्प के लिए जाते थे, जैसे वो सबसे पहले जयपुर में आए तो वो उन्होंने पुलिस स्टेशन पे गए कि इस तरीके से हमारे पीछे भाई कुछ लोग पड़े हुए हैं, मेरे भाई ने शादी की है उसके घर वाले पीछे पड़े हुए। उस बीच में मेरे भाइयों ने काफी रिलेटिव्स जो थे मेरे हस्बैंड के रिलेटिव्स थे उनको पकड़ के ले गए थे अपने घर पे कि आप बताओ कि कहाँ पे हैं लता और ब्रह्मानंद, दोनों कहाँ पे हैं। और उसी बीच में मेरी बड़ी वाली ननद जो दिल्ली रहती थी अपने हस्बैंड के साथ में और 3 बच्चों के साथ में, उसको पुलिस पकड़ के ले गई। मेरी जो छोटी ननद जो अपने मामा के घर पे रह रही थी उसको भी पुलिस उस समय तक पकड़ के ले गई थी। तो ये था कि किस तरीके से मदद हो। तो वो लोग जहाँ भी जाते थे मेरे हस्बैंड के घर वाले, तो वो लोग यही कहते थे कि आप पहले लड़की को लेके आए हैं, हम लड़की को सुनना चाहते हैं कि वाकई में उसने शादी अपनी मर्जी से की है या जो FIR में लिखाया गया है कि आप लोगों ने किडनैपिंग की है तो यही सच है। तो मेरे घर वाले मुझे इसलिए ढूंढ रहे थे कि जहां भी ब्रह्मा और लता मिले उनको वहीं पे शूट कर दें, और मेरे हस्बैंड के घर वाले इसलिए मुझे ढूंढ रहे थे कि जहां जैसे भी मिले ताकि हम पूरा परिवार बच पाए हम लोगों के खिलाफ। हमारे यहाँ पे मतलब मेरे 26 लोगों के खिलाफ FIR थी। तो ये लोग मिले तो इनका लता का बयान हो ताकि ये क्लियर हो पाए कि हम लोगों ने कोई किडनैपिंग नहीं की है। तो ये है कि मैं हस्बैंड के जो भाई लोग थे उनको मिल गई और फिर वहां से हिमाचल से मैं जयपुर आ गई 3rd महीने में। इन सब चीजों में करते हुए 3 महीने गुजर गए थे। जब जयपुर आई तो मैं दूसरे तीसरे दिन महिला आयोग गई। मुझे लगा कि ये सबसे ज्यादा सही जगह है जहाँ पे मैं अपनी बात कह सकती हूँ बता सकती हूँ। महिला आयोग में उस समय जो राजस्थान महिला आयोग की चेयरपर्सन थी कांता कथुरिया, और वहाँ पे सचिव थी अपर्णा सहाय, कार्य अधिकारी है जो अपर्णा सहाय वो वहाँ पे थी। तो उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी। तो कांता मैम ने ये बोला कि ये यूपी का मामला है और इसको यूपी महिला आयोग ही इसका हैंडल करेगा बाय मतलब ये सिस्टमेटिक भी शायद ये सही था। लेकिन मैंने जब उनको बताया कि मैं तो वहां पे जा ही नहीं सकती हूँ, हम लोग को वहां पे जाते ही मार दिए जाएंगे, तो मैं यूपी महिला आयोग में जाऊं कैसे। अपर्णा जी ने इस बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया और उन्होंने वहां से ही राजस्थान महिला आयोग से सारी जितनी भी चीजें थी शुरुआत की, अप्लीकेशन लिखी, मेरे 164 के बयान हुए, 163 के पुलिस के सामने, लखनऊ से SSP को बुलाया गया कि आप यहाँ पे आके बयान ले सकते हैं, वहां पे नहीं आ सकती हैं, यहाँ पे कोर्ट में बयान दिला के उसको भेजा गया। ये सब करते रहे। इसी बीच में मेरी नंदे जो थी, दो नंदे, एक बड़ी वाली ननद के हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के चाचा के लड़के, ये जेल में ही रहे और हम लोगों में से कोई भी व्यक्ति या कोई रिलेटिव उनसे मिलने नहीं जा सकता था। वहां का पुलिस प्रशासन इस तरीके से मुस्तैदी से काम कर रहा था कि अगर कोई
ममता संगीता जो मेरी ननद है उनके नाम से कोई मिलने आएगा तो वो सबसे पहले खबर मेरे भाइयों को देंगे ताकि पता चल जाए कि वो कहाँ से आए हैं। तो 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने नहीं जा पाया। इसी बीच में महिला आयोग के साथ ही मैंने दिल्ली में जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अप्लीकेशन की वहां पे बात जाके बात की तो वहां पे जो समय चेयरपर्सन जस्टिस जे एस वर्मा समय थे तो उन्होंने मेरी नंदों को अपने पर्सनल बॉन्ड से वहां से छुड़ाया और अचानक छुड़ाया तो मतलब और वो खुद ही पुलिस इस तरीके के उनको आदेश दिए कि आप उनको खुद ही जयपुर तक छोड़ के आए। बाद में ये भी मेरे भाइयों ने बोला कि अगर मुझे पता होता कि संगीता और ममता किस दिन छूट के गई हैं तो भले ही मैं मुझे खुद ही मरना पड़ता लेकिन मैं उनको जिंदा तो वापस नहीं जाने देता। इस बीच में और भी बहुत सारी चीजें नहीं जैसे पुलिस का रोल बहुत निगेटिव रहा। एक बाय लॉ ये होता है कि आप किसी लेडीज को पकड़ेंगे तो आप सीधे उसको लेके जाएंगे लेकिन पुलिस ने 2-3 दिनों तक मेरी दोनों नंदों को एक धर्मशाला में रखा और वहां पे बहुत ही ज्यादा मतलब अमानवीय यातनाएं दी। मैं शायद यहाँ पे बोल भी नहीं सकती हूँ। वहां पे उनको बिल्कुल निर्वस्त्र किया गया और किसी और उनको कुछ भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ तो उनको सीधे पुलिस स्टेशन या कोर्ट में ले जाके अपना पेश करने की बजाय 2-3 दिनों तक वो धर्मशाला में रहे। ये सब बच्चे उनके जब बड़ी वाली ननद को लेके गए हैं तो उनके दोनों बच्चे की उम्र 8 साल और 9 साल थी तो उन दोनों बच्चों को दिल्ली में ही वही रूम पे ही छोड़ा गया ये सोचे हुए कि माँ बाप को हम पकड़ के ले जा रहे हैं तो ये 8-9 साल के जो बच्चे हैं वो अकेले कहाँ जाएंगे तो ये नहीं सोचा। जिस तरह से लता जी आप ये बता रही हैं हमको इसमें 2-3 बातें बहुत सामने आती हैं वो ये है कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन का जो व्यवहार रहा था आपके ब्रह्मानंद जी के फैमिली की तरफ और जिस तरह से उनको मैनिपुलेट किया जा रहा था इस मोटिव से कि आपको किसी ना किसी तरीके से वो लोग पकड़ लें आपके परिवार वाले और ये ना कि आपको वापस घर ले आए या सुलह हो जाए या आपको शांति से रहने दे उनका कोई ये इसमें मोटिव नहीं था। उनका मोटिव यही था कि आपको अपना अपने इस चॉइस की वजह से आपको कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलना चाहिए राइट। आपने जैसे कहा कि वो आपको मारना चाहते थे तो इसके आप कुछ थोड़ा ये बताइए कि आपको कोर्ट में किस तरीके से मदद मिली और प्रशासन में कोई ऐसा था जिसने आप लोग को असली में मदद करके न्याय दिलवाया। एक्चुअली जब ये सब करते हुए यहाँ से काफी जब राजस्थान महिला आयोग से एप्लीकेशंस वगैरह काफी गई हैं उसके बाद में जब पुलिस एसएसपी ने जाके अपनी एफआईआर लगाई है कि लड़की तो बालिग है और उसने भाग के मतलब जबरदस्ती शादी नहीं करवाई गई है तो उसके बाद में केस में को रीओपन करने के लिए मेरे भाइयों की तरफ से एक और एप्लीकेशन लगी कि लता मेंटली चैलेंज है तो उसके लिए फिर मुझे एक दूसरी लड़ाई लड़ने लगी। मुझे यहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल में अपना पूरा बोर्ड बैठा के फिर महिला आयोग की तरफ लिए कोर्ट की तरफ से एक लेटर आया कि आप ये साबित करिए कि ये ठीक है। तो यहाँ पे जो जयपुर का मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ पे पूरा बोर्ड बैठा और पूरी बोर्ड ने मेरी जाँच की कई दिनों तक। उसके बाद में उन्होंने अपना सर्टिफिकेट दिया कि हाँ लता बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस बीच में ये हो रहा था कि मुझे जो लोग एफआईआर में चालान जिनका पेश हो गया था मेरी दो नंदें और मेरे ननद के हस्बैंड और चाचा की लड़के उनकी तारीखें पड़ रही थी और लखनऊ में और उनको लेके मुझे लखनऊ जाना पड़ता था तो ये जो चीज थी मेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्की थी क्योंकि मुझे तारीख एक निश्चित दिन पड़ती है मुझे भी पता है मेरे भाइयों को भी पता है तो ये था कि मैं लेके तो उनको जाती थी पर वापस जिंदा वापस कैसे आऊंगी और मुझसे ज्यादा कि मैं इन लोगों को कैसे जिंदा वापस लाऊंगी ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज था। तो मुझे अपर्णा सहाय ने ही लखनऊ में एक ऑर्गेनाइजेशन है आली जो काम करती है तो इसी तरीके तो वहां पे तुलिका श्रीवास्तव के पास भी भेजा और
सबसे बड़ी वकील से ये था कि हम लोग जब लखनऊ जाते थे वकील करके आते थे अपने केस के लिए, और दोबारा जब हम फेसी पे जाते थे तो हमको पता चलता था कि वो भाइयों से मिल गया है, भाइयों से पैसे ले रहा है कि इंफॉर्मेशन देने के लिए और हमसे पैसे ले रहा है केस लड़ने के लिए। तो हर बार में मुझे कम से कम 5 से 6 वकील बदलने पड़े। फिर मैं जब आली में तुलिका दी से मिली हूँ तो उन्होंने पूरा मेरा केस सुना। उसके बाद में उन्होंने मुझे नंदी श्रीवास्तव जो वहाँ के वकील थे हाईकोर्ट के लखनऊ हाईकोर्ट के, उनके पास मेरा केस भेजा। मैं आली में लगभग 2 महीने तक रही हूँ वहीं लखनऊ में। तो वो इस तरीके से कि शाम को दिन में ऑफिस में रहती थी आली में, और रात को वो लोग जाते तो हम लोग अंदर रो जाते थे, वो बाहर से लॉक करके चले जाते थे, मैं मेरा हस्बैंड और बच्चा, हम तीनों ही। इस तरीके से हमने 2 रणनीति, क्योंकि उस बीच में मेरी नंदों के नॉन अवेलेबल वारंट हो गए थे। तो ये सब चलता रहा। तो वहां से कोर्ट से मुझे, लखनऊ कोर्ट से मुझे ये जरूर मिला कि मेरी नंदे को दोबारा जेल नहीं जाना पड़ा। लखनऊ कोर्ट में जाते समय ही मुझ पर 1-2 बार भी वहां पे भी अटैक हुए। फिर अच्छा। मुझे लगा कि हाँ, एक बार तो मतलब कोर्ट के अंदर ही घेर लिया गया था। तो बड़ी मुश्किल से आली की पूरी टीम थी और उन्होंने पहले से ही पुलिस को बुला के रखा हुआ था, तो वो किसी तरीके से मुझे निकाल के ले आए। उसके बाद में जब मैं 164 के बयान देने के लिए गई हूँ हाँ दोबारा लखनऊ, तो वापस आते समय जब मैं कानपुर बस अड्डे पे थी तो वहां पे भी अटैक हुआ। तो फिर मैं उस समय 7 मंथ प्रेग्नेंट थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो मैं वॉलीबॉल खेलती थी बहुत छोटे थे, तो शायद उसका वो इफेक्ट था कि जो बाउंड्री थी लगभग 5 से 6 फीट ऊंची होती है, 7 फीट होती है, तो मैं उसको उस पर चढ़ी और बैक साइड में कूद गई। और रात के लगभग 9-10 बज रहे थे और मैंने पीछे देखा ही नहीं, मैं भागती रही कि मुझे लग रहा था कोई अननोन पर्सन भी होता तो मुझे लग रहा था कि नहीं वही लोग होंगे जो आ रहे हैं। तो मैं लगातार भागती रही, बारिश भी हो रही थी, तो फिर थोड़ी सी रोशनी दिखाई पड़ी तो मैं उसमें घुस गई। तो वहां पे बेकरी थी तो पूरी तरीके से कांप रही थी, सर्दी लग रही थी, बहुत तेज बारिश वो भीगी हुई थी। तो उसने, वो जो व्यक्ति था बेकरी वाला, उसने मुझे उस भट्टी के सामने ही बैठा दिया। तो मुझे थोड़ी सी गर्मी आई मेरे अंदर, और उसके बाद में मैंने उससे ये पूछा कि आसपास क्या कोई पुलिस स्टेशन है। तो उसने बताया कि हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर एक पुलिस स्टेशन है। मैं उस पुलिस स्टेशन पे गई तब तक लगभग सुबह के 2:30-3 बज गए थे। तो मैंने उनसे, उनको पुलिस स्टेशन पे जाके बोला कि इस तरीके की बात है और मैं इस तरीके से भाग के आई हूँ, आप लोग प्लीज मेरी कुछ मदद कर सकते हैं कि मैं जयपुर तक सेफ पहुंच जाऊँ। तो उन्होंने कहा हम इसमें आपकी कुछ मदद नहीं कर, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम कोई गाड़ी ला सकते हैं, टैक्सी ला सकते हैं, और आपको वो भी आप आगरा तक जा सकती हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप इतना तो कर रहे हैं। तो मैं जब मैंने, उन्होंने एक टैक्सी मेरे को करवाई, सब मेरे जेठजी मेरे साथ में थे, मैं टैक्सी से आगरा पहुंची। और तो मेरे पूरे कपड़े तो कीचड़ में हो रहे थे, लथपथ हो रहे थे, और तो सब जहां मैं रुकने के लिए कोई होटल धर्मशाला देखती थी ताकि मैं नहा लूं, कपड़े चेंज कर लूं, तो वो लोग ऊपर से नीचे तक देख के मतलब नहीं आप तो जाओ, ऐसे ऐसे लोगों के लिए कहां से आ गए हो आप लोग, जैसा इस तरीके से। फिर एक धर्मशाला में मैं रुकी तो मैंने नहाया तो मेरे पैर सूज के बहुत दुगने मोटे हो गए थे और पेट के अंदर भी कोई बच्चे की कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। तो वहां पे मुझे लगा कि शायद नहीं है बच्चा मेरा, लेकिन थैंक गॉड कि बच्चा मेरा सेफ था। तो वहां से फिर मैं जयपुर आई किसी तरीके से। तो ये चीजें तो चल रही थी साथ साथ में। फिर मुझे लगा कि इस तरीके से मैं लखनऊ जाऊंगी बार बार और हर बार में ये सब होगा तो मेरे लिए मैं क्या करूँ कि मुझे लखनऊ नहीं जाना पड़े। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि मैं रिट को सुप्रीम कोर्ट में लगाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा, लखनऊ दिल्ली जाना ज्यादा आसान है बजाय लखनऊ जाने के लिए, क्योंकि तो मैं उसके लिए आपको, आपको आपके परिवार वाले ढूंढ रहे थे। और जिस तरह से आपने बताया अभी कि आपके ऊपर 2-2 अटैक हुए थे, तो
तो इसलिए आपको यूपी में जाने का बहुत भय था, है ना? हाँ, बल्कि पे जब ये बात हमने बोली थी वहां पे कोर्ट में, तो कोर्ट में तो ये बोला गया था मुझको कि ठीक है, हम आप जब भी आए तो आपको हम पुलिस कर देंगे, उसकी सुरक्षा देंगे। लेकिन हम वहां पे जाके जब हम एप्लीकेशन देते थे कि हम तारीख करने के लिए आए हैं और हमें चाहिए, तो वो होता था कि हम हमारे पास सिर्फ यही काम थोड़ी ना है। और यहाँ पे जब हमने जयपुर में भी एक बार एसपी से मिले कि मुझे तारीख करने के लिए जाना है और ये हमारे पास में ऑर्डर है, मतलब हाई कोर्ट का, यूपी हाई कोर्ट का, तो आपको मुझे देनी ही पड़ेगी सुरक्षा, हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो ये भी होता था कि नहीं, यहाँ से जयपुर से पुलिस क्यों जाएगी? आपके यूपी जाना है तो आप यूपी की पुलिस लो, जयपुर से आपकी। तो इस तरीके की, तो फिर मैं फिलहाल फाइनली मैं दिल्ली में जाके राष्ट्रीय वुमेन्स, नेशनल वुमेन्स कमीशन होता है, वहां पे गई हूँ। तो वहां पे जाके मैंने उनसे बोला है कि क्योंकि ये केस तो कोर्ट में चल रहा है, कमीशन बहुत मेरी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन मुझे एक वकील चाहिए ऐसा कि जो मुझे, जैसा पिछले बार हो चुका था कि बार बार एक के बाद एक मुझे बदलने पड़ रहे थे। तो वहां पे हरप्रीत सिंह करके एक मेंबर थी, तो उन्होंने मुझे सुप्रीम कोर्ट के वकील साकेश कुमार के पास में भेजा। तो साकेश के पास में गई, उससे पहले एक और वकील के पास में गई थी, सुप्रीम कोर्ट की लेडीज वकील थी। तो उस समय इस समय फिनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं किसी वकील को अफोर्ड कर पाती है, तो मैं ये चाहती थी कि कोई वकील जो है मुझसे कम से कम फीस ले या फ्री में ही हमारा केस लड़ दे। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हम सोशल वर्क नहीं करते हैं। अच्छा, तो उसके बाद मैं फिर साकेश जी के पास में गई और उन्होंने मेरा केस मुझे बिना एक भी, मतलब पूरे केस लड़ने के दौरान उन्होंने मुझसे एक भी रुपया नहीं लिया, एक फ्री में ये पूरा केस लड़ा है। और बहुत ज्यादा सीरियसली, ऐसा भी नहीं है कि फीस नहीं ले रहे हैं तो इसको रेंडमली देखे, तो बिना फीस लिए देखा है। वहां भी जैसे जब मैं तारीखों पे जाती थी सुप्रीम कोर्ट पे, तो वापस जब आती थी तो मैंने देखा कि वहां पे बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल्स की गाड़ियां लगी होती हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। तो मैंने एक दो बार वहां पे बात करने की कोशिश की, मैंने उनको, मैंने सोचा कि अगर हमारा न्यूज में निकलेगा, थोड़ा मीडिया में जाएगा, तो हो सकता है कि मुझे जल्दी रिलीफ मिल जाए। तो मैंने कई बार कई न्यूज वालों से बात की जो वो लोग वहां खड़े थे, बताया कि इस तरीके की मेरी कहानी है, तो किसी ने उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। मुझे लगता है कि मीडिया एक बहुत सशक्त साधन होता है किसी की प्रॉब्लम को के लिए, वो हेल्प पहुंचाने के लिए। तो यही सोच के, तो मुझे लगता शायद मेरा मर्डर हो जाता तो ये जरूर न्यूज बनती उनके लिए, तब वो शायद इस बात को दिखाते। बहुत ज्यादा उन्होंने उस पे मैं सीरियसली नहीं लिखा लिया। ये बात मैं इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि जिस दिन मेरा जजमेंट आया उस दिन मेरे घर के बाहर बहुत सारी मीडिया खड़ी थी। अच्छा, आपके लिए जजमेंट आया है तो बाहर। तो मुझे लगा कि अगर ये लड़ाई मैंने, मतलब लड़ते समय बीच में कुछ हो जाता है, उस समय मैं इनसे कितना हेल्प मांग रही थी कि आप मुझे थोड़ा सा हेल्प करें, पर आज सभी लोग तैयार। तो एक ये भी है कि जब आप लड़ाई, किसी भी तरीके की लड़ाई लड़ने जाते हैं, तो जब तक आपको अकेले ही खड़े होना पड़ता है, पीछे तभी आपके लोग खड़े होंगे। आप खुद की मदद करें तभी पीछे लोग खड़े होते हैं, अगर आप खुद की मदद नहीं कर पाते तो फिर लोग शायद नहीं करते हैं आपकी। और लता जी, हम लोग को आपकी कहानी सुनकर तो यही लग रहा है कि आप जिस तरह से बिल्कुल निर्भय होकर आपने अपनी सारी लड़ाई लड़ी है, और मतलब हम लोग आम आदमी अगर सोचता है कभी कि किसी पुलिस स्टेशन जाओ अब, किया तो किसी मदद मांगने के लिए या किसी कंप्लेन लिखने के लिए, वो जाने से पहले दो बार उसके बारे में सोचेगा जरूर, क्योंकि लोग घबराते हैं पुलिस से। और आपकी कहानी में हमने देखा है कि आपको पुलिस के साथ इतना ज्यादा इंटरेक्शन करना पड़ा, कई बार उनसे मदद मांगनी पड़ी, और कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस ने पलट कर आपके ऊपर और या आपके परिवारों के ऊपर यातनाएं करी हैं। तो मतलब वो जो ट्रस्ट होना चाहिए पुलिस में वो तो बिल्कुल भी टूट चुका था। तो इसमें तो मुझे ये लग रहा है कि आपके अंदर की कोई शक्ति रही होगी जरूर,
जिससे आपको प्रेरणा मिली कि आप ये लड़ाई में जुटी रहें, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए हमको। एक्चुअली मुझे शक्ति तो नहीं थी, लेकिन मेरे पीछे जब मेरी इन-लॉज फैमिली, मेरे हस्बैंड की फैमिली थी, इसमें उनके माता पिता थे, उनके जो फादर थे वो थोड़े से मेंटली चैलेंज थे, बुजुर्ग माँ थी, बहन थी, बहन जो दोनों बहनें जो जेल में रह के आई थी, छोटी बहन जो जिसकी एंगेजमेंट टूट गई थी इस मेरी शादी की वजह से, और दूसरी जगह जहाँ हम शादी करने के लिए सोचते थे, और तो हम ये सोचते थे कि सब उनको सब कुछ पहले से बता दें कि 6 महीने जेल में रह चुकी है इस वजह से, ताकि शादी के बाद में, तो ये सुनने के बाद में कोई भी तैयार नहीं होता था शादी करने के लिए। और फिर इतनी सारी प्रॉब्लम परिवार में चल रही थी, तो मुझे ये लग रहा था कि एक मेरी वजह से या एक मेरे डिसीजन की वजह से ये पूरी फैमिली बहुत प्रॉब्लम में आ गई है, तो किसी कुछ भी हो जाए मुझे तो इन लोगों के लिए ढाल बन के आगे खड़े ही होना है। जब मैं मतलब 12th तक मैं गांव में रही हूँ, गांव में पढ़ी हूँ, राजपूत फैमिली इस तरीके से होती है कि आप घर की दहलीज से बाहर भी नहीं निकले हैं, तो जब मैं चाहे मैं महिला आयोग जा रही हूँ, चाहे मैं कोर्ट जा रही हूँ, जब मैं जाती थी तो रास्ते में किसी से बात नहीं करती थी, और मुझे वहां पे क्या जाके बोलना है मैं बार 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 उसको मन में रिपीट करती थी, और मैं ये मतलब कहती थी ऐसा नहीं हो कहीं कि जब मैं जिसके सामने बैठ के बोलूं और अपने भाइयों के लिए खिलाफ बोल रही हूँ तो उस समय मैं थोड़ी सी डगमगा जाऊं, मैं बोल ना पाऊं, या मेरे साथ में जो मेरे ब्रदर इन लॉ बैठे होंगे कहीं उनको ये फील नहीं हो कि मैं उनके लिए कुछ करना नहीं चाहती हूँ, अपने भाइयों के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। तो मैं जाने से पहले आते समय बस में ट्रेन में मैं अपने आप को इतना मेंटली प्रिपेयर करती थी कि मैं क्या कहना चाहिए मुझे, क्या नहीं कहना चाहिए, तो वो एक जो अंतर्द्वंद चलता था ना वो बहुत, उसको बताना बहुत मुश्किल है। और ये भी था कि अपने भाइयों के खिलाफ बोलती तो थी पर उस समय की मानसिक स्थिति को भी बहुत मुश्किल होता था झेलना। और पुलिस 2003 में मैं जब फर्रुखाबाद गई थी, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, उस समय वहां पे एसपी थे अशोक मुथा जैन, और मैं उससे फर्रुखाबाद जाने से पहले मैं लखनऊ गई, और उस समय मायावती सीएम थी और उनके जो सचिव थे जेएन चैम्बर, मैं उनसे मिली और उनसे बोला कि मैं फर्रुखाबाद जाना चाहती हूँ, वहां की पुलिस पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो आप मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करें, क्योंकि मेरे भाई, मेरे हस्बैंड की जितनी भी प्रॉपर्टी, घर, मकान, खेत, सभी कुछ भाइयों के कब्जे में है, तो मुझे एक बार वहां पे जाके कंप्लेंट करनी है, तो आप ये मुझे किसी तरीके से मेरी सुरक्षा की गारंटी लें। तो उन्होंने खुद एसपी शाह को फोन किया कि इस तरीके के लिए चीज आ रही है और आप इनकी पूरी हेल्प करिएगा, लेकिन वही हुआ कि मुझे एसपी ऑफिस में, वहां पे जाके मुझे एसपी ऑफिस में भी मेरे भाइयों ने घेर लिया, वहां भी अटैक हुआ 2003 में। तो एसपी का ये कहना था कि आप तो किसी तरीके से यहाँ पे जाओ वापस, आप आए क्यों हो। अच्छा। तो मैंने, और वहां पे जब मैं बहुत पूरी तरीके से वो एक होटल के अंदर में वापस आई, तो होटल में घेर लिया गया, एक लड़के ने नीचे से फायर किया जो भाइयों का भेजा हुआ था, और पुलिस वाले मेरे साथ में ही थे, तो मैंने कहा आप पकड़ो उसको। तो फिर मैंने वहां से अपर्णा शाह जी, उन्होंने मेरी जो वुमेन्स कमीशन है उनको ही कॉल किया कि मैं यहाँ पे इस तरीके से गिर गई हूँ, आप बताइए मैं क्या करूँ। तो उन्होंने सीधे वहीं पे मुख्यमंत्री कार्यालय में बात की, जेएन चैम्बर साहब से बात की, तो बड़ी मायावती जी का, मैंने बाद में अपर्णा मैंने मुझे बताया अभी थोड़े दिन पहले कि उनका खुद कॉल आया कि आप जो है ना बिल्कुल निश्चिंत रहें, लता सिंह को जयपुर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है और हम लोग उसे सुरक्षित पहुंचाएंगे। अच्छा। तो वहां पे ये होता था, मैं जब भी जाती थी पुलिस वालों का ये रहता था कि आप किसी तरीके से मतलब आप यहाँ से जाएं, हम अपने ऊपर कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। अच्छा लता जी, ये बताइए, जजमेंट तो आपके फेवर में आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी क्लियर भाषा में ये लिखा कि जो औरत बालिग होती है और अपना डिसीजन खुद ले सकती है, जैसे आपने लिया, उसके पास पूरी पूरी राइट टू चूज
होनी चाहिए और है, और इसको पुलिस को इस बात को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, अपहोल्ड करना पड़ेगा, ना कि उनको परेशान किया जाए ये सब मनगढ़ंत केसेस की वजह से। तो अब आप बताइए, आपका संघर्ष क्या जजमेंट के बाद कम हुआ, खत्म हो गया? आपको जजमेंट जब आया तब आपको कैसी फीलिंग हुई, आपको कैसा लगा? जजमेंट आने के बाद में मुझे मतलब इस बात की तसल्ली हुई कि मुझे बार बार तारीफ करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मेरी जो नंदे दोनों ननद हैं वो इस केस से बरी हो गई हैं, वो अपना लाइफ जी सकती हैं, क्योंकि उनके घर से उनको लेके जाना एक बहुत बड़ा रिस्क वो रहता था कि उनको बताना पड़ता था। बाकी मेरे ननद के जो हस्बैंड थे उनको तो सब क्लियर पता दिया था, पर परिवार वालों को नहीं पता था। वो कहते थे आप क्यों लेके जाते हैं बार बार, तो मेरे लिए तसल्ली की ये बात थी कि मुझे उनको लेके नहीं जाना पड़ेगा। अपने लिए ये था कि चलो ठीक है, एक जो बहुत दिनों से लंबी लड़ाई चल रही थी वो शायद खत्म हुई वहां पे। पर रिलीफ जजमेंट मतलब व्यक्तिगत तौर पे रिलीफ बहुत ज्यादा, मेरे इन-लॉज के खिलाफ जो FIR थी वो खत्म हुई थी, ये सब कानूनी चीजें तो खत्म हुई थी, पर व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा फायदा ये नहीं मिला। इसलिए कि हम उस जजमेंट के बावजूद भी अपने गांव नहीं जा सकते थे, अपने घर नहीं जा सकते थे। रिस्क जो जान का जो रिस्क था वो उतना ही है था। मेरी प्रॉपर्टी उस समय तक भी मेरे भाइयों के कब्जे में थी, जिसका केस आज भी मैं लड़ रही हूँ दिल्ली 30,000 कोर्ट से। आज भी मेरी पूरी फैमिली जयपुर में रहती है, मेरे हस्बैंड की पूरी फैमिली जयपुर रहती है। कभी गांव जहीं जाते हैं खेत किसी को दे के नहीं आ सकते हैं, पर अपना मकान नहीं देख सकते हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे और जजमेंट के बाद में पुलिस भी अब मतलब बहुत इमोशन हो गई, वो बहुत कानूनी तौर पे मुस्तैद हो गई हो, ऐसा नहीं है। मुझे तो इस जजमेंट को ले जाके कई बार पुलिस स्टेशन पे दिखाना पड़ता था कि आप जो कर रहे हैं, जो भी लव मैरिज करते थे लड़के लड़कियां कोर्ट मैरिज की, आप जो कर रहे हैं वो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, ये देखिए ये आपके लिए जजमेंट है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो कानून तो बहुत ज्यादा बहुत सारे बनते हैं, बहुत अच्छे कानून बनते हैं, पर उनका जब तक उनका बहुत अच्छी तरीके लोग उसके बारे में अवेयर ना हो, और खासकर पुलिस जब तक उनके बारे में अवेयर ना हो, तब तक उन कानून सिर्फ किताबों में ही रहते हैं, अगर जब तक उनका इम्प्लीमेंट नहीं हो। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, लेकिन ये है कि हाँ उस जजमेंट से मुझे रिलीफ बहुत मिला और बाकी लोगों के लिए रास्ते खुल गए, ये ज्यादा अच्छा है। तो आपने अब खुद ही बोला व्यक्तिगत रूप पे आपको गांव नहीं जा सकती थी आप, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी। अब आप बताइए कि आपके जो संघर्ष की कहानी है, जो इसमें आपने अपना खुद का डिसीजन लेके शादी करी वगैरह, इन सब तो आप एक टाइम तो आया होगा जिसमें आप लोगों ने आपको अपना पूरा एनर्जी पूरा फोकस अपनी फैमिली पे डालना पड़ा होगा कि अच्छा अब हम शादीशुदा हैं, हमारा एक बच्चा है, हम लोग आम फैमिलीज की तरह अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। तो क्या उस पॉइंट पर कभी आपको किसी से मदद लेनी पड़ी, या फिर आपकी फैमिली का आपकी तरफ कैसा था रवैया, आपकी फैमिली या इन-लॉज की फैमिली भी? इन-लॉज फैमिली तो मेरे हमेशा ही सपोर्ट में रही है, हमेशा ही, शुरुआत से लेके अभी तक। और मेरी फैमिली जो थी, आली ऑर्गेनाइजेशन ने, तुलिका दी ने बहुत कोशिश की कि बैठ के इन लोगों के, इवन हम लोग, मेरे भाई ने बैठ के आली के अंदर बैठ के मुझसे सुबह से शाम तक बात की है, दो दो दिनों तक लगातार बात हुई है, लेकिन उसका नतीजा सिफर ही रहा, कोई नतीजा नहीं रहा। कि मतलब जब मैं ये कहती थी कि आप उस समय जजमेंट आने से पहले की बात है कि आप, मैंने शादी कर ली है, मेरा 2 साल का बच्चा है, उस समय 2 साल का था अमृतांश, कि 2 साल का बच्चा है, मैं वापस नहीं आ सकती हूँ अब आपकी फैमिली में, तो अब आप ये सब चीजें छोड़ दीजिए, अब कहाँ तक मैं भागूं और कहाँ तक परेशान हूँ, आपको जो चाहिए क्या चाहिए आपको, अगर मतलब आपका फिनेंशियल बहुत नुकसान हुआ है,
तो आप जो मेरे हस्बैंड की पर्सनल प्रॉपर्टी है वो ले लीजिए, आप जो चाहे वो ले लीजिए, लेकिन अब इनफ किए। पर वो बात तो बहुत लंबी लंबी हुई, एक एक दिन की बात हुई, दो दिन दिन लगातार हुई, लेकिन नतीजा जीरो ही रहा। वहां से आने के बाद में वो नहीं समझ में आया किसी को, और मुझे लगता है कि आज भी ये स्थिति है कि आज मैं अगर अपने घर अपने गांव नहीं जा सकती हूँ, मैं जाऊं तो शायद वापस नहीं आऊं। लता जी, आप इतने सारे संघर्ष आपने झेले हैं, इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आप गई हैं, आपके फेवर में जजमेंट जो आया है, आप कुछ अगर आपके पास कोई एक नया कपल आए ये पूछने के लिए कि आपने भी ऐसा बहुत कुछ झेला है, हमारी फैमिली भी हमको परेशान कर रही है, वो हमारी इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो आप उनको कुछ एडवाइस देना चाहेंगी अपनी तरफ से? हाँ बिल्कुल, इवन मैं ऐसी सिचुएशन को हैंडल भी करी, मैंने लगभग 39-40 के अराउंड शादियां कराई हैं जयपुर में इंटर कास्ट मैरिज अपने जजमेंट को लेके, और मैं बिल्कुल मैं कोशिश करती हूँ, मैं उनसे ये कोशिश करती हूँ कि आपको इंटर कास्ट शादी लव मैरिज करने के बाद में जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनके बारे में बताती हूँ, तो मुझे उनसे ये कहती हूँ कि आप अपना इस समय जितनी एनर्जी लगाना चाहते हैं उतनी अपनी फैमिली को मनाने में लगाइए उनको, कि वो शादी के लिए मान जाए। आखिरी रास्ता तो है ही आपके पास में, खुला हुआ है, कानूनी रूप से खुले हुए हैं क्या, क्योंकि वो शादी के बाद में जितनी प्रॉब्लम्स आनी है फैमिली की तरफ से उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो आप वो इतनी सारी आप दिक्कतें झेलें तो देन बेटर कि आप पहले ही बहुत ज्यादा बहुत कोशिश करें कि अपनी फैमिली को मनाएं। और मैं एक तो मैं फैमिली अगर कोई मेरे पास इस तरीके की आती है तो मैं उससे भी बात करने की कोशिश करती हूँ, बताती हूँ कि आप कानूनी रूप से तो रोक नहीं सकते हैं, फाइनली भी आप ये करेंगे कि आप सामाजिक संबंध तोड़ लेंगे उनसे, तो शादी अगर करनी है तो वो करेंगे ही, तो आप अपने संबंध ना खराब कराएं, क्योंकि उनका हक है ये, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। फिर लेकिन आप अंदर से वही कि मानसिक रूप से भी परेशान होंगे, आप अपने बच्चे बच्ची को नहीं देखेंगे, उनसे नहीं मिलेंगे तो भी परेशान होंगे। दूसरी चीज जो एक चीज है जो बाकी लोगों को बड़ी हैरत में डालती है कि मुझे लेके, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लव मैरिज करते हैं, अपनी मर्जी से मैरिज करते हैं, तो लड़कियों के ऊपर एक डबल जिम्मेदारी आ जाती है कि वो निभाएं उस शादी को। तो मैं जितना उनको समझाती हूँ सारी चीजें बताती हूँ, पर मैं ये भी बताती हूँ कि अगर इन केस हम इंसान ही हैं, भगवान नहीं है, कभी कभी ऐसा ही इंसान को पहचानने में भी भूल करते हैं, तो शादी करने के बाद में रिश्ते के अंदर होने के बाद में अगर आपको लगे कि नहीं निभ सकता है कुछ अपनी पर्सनल वजहों से, नहीं किसी वजह से, तो आप बाहर निकलने में इतनी देर मत बहुत देर मत लगाइए। अगर आपको जितनी जब आपने ये नहीं सोचा है इंटर करते समय ये नहीं सोचा है कि लोग क्या कहेंगे, तो एग्जिट करते समय ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, लाइफ एक ही है। क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि अब शादी जब एक अरेंज मैरिज होती है तो उसको लड़की को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर वो है कि आप घर वालों से बोलते हैं, मायके वालों से बोल सकते हैं, लेकिन जब हम खुद ही शादी अपने पसंद से करते हैं ना, तो ये होता है कि शादी तो आपने ही की है ना, तो अब आप ही झेलो जो भी प्रॉब्लम्स आए वो आप ही देखो उसमें। और फिर वो लड़की के ये मैंने जो केसेस देखे उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि ये अंतर्द्वंद बहुत रहता है कि अगर मैंने तो अपनी मर्जी से शादी की है तो मैं अगर मैं डिवोर्स दे दूं या मैं नहीं रह साथ में रहना चाहूँ तो लोग क्या कहेंगे, लोग तो यही कहेंगे कि घर वालों से भी नहीं निभा सकी और शादी की तो उसके साथ भी नहीं निभा सकी, तो उसके ऊपर ये जिम्मेदारी डबल होती है। मुझे लगता है कि अगर शादी जीवन एक गाड़ी है तो वो पहिए हस्बैंड और वाइफ दोनों ही हैं, तो दोनों को ही सम चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है हमें अपना रिश्ता निभाने के लिए, अगर कहते हैं ना झुकना है तो ठीक है झुक जाना चाहिए रिश्ता निभाने के लिए,
लेकिन बार बार अगर सिर्फ हमें ही झुकना पड़े तो फिर रुक भी जाना चाहिए, क्योंकि वो समझदारी दोनों तरफ से चलेगी। ऐसा नहीं है कि हम, इसलिए कि मैं लड़कियों से ये खासकर बोलती हूँ कि अपने ऊपर वो डबल दोहरी जिम्मेदारी ना ओढ़े कि नहीं अब तो शादी कर ली तो अगर नहीं भी आगे चल सकता तो वो ये लोग मुझसे थोड़ा सा अनएक्सपेक्ट करते हैं कि आप तो शादी कर चुकी हैं, आपने लव मैरिज की है और आप बह रही हैं, तो आप इंटर के साथ साथ एग्जिट का भी रास्ता क्यों बताते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि हम ये चीजें ज्यादा झेलते हैं, जो लव मैरिज या कोर्ट मैरिज आई लड़कियां हैं वो ये चीज को थोड़ा सा ज्यादा झेलती हैं। ज्यादा झेलती हैं। आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई, और इनफैक्ट इस तरह की सोच जो है ये बहुत नई पीढ़ी की सोच है, और इस तरह की सोच मतलब प्रोग्रेसिव मानी जाती है कि दोनों हस्बैंड और वाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक शादी के अंदर दोनों की बराबर होनी चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाज का प्रेशर हमेशा औरत के ऊपर ही पड़ता रहे, आदमी को भी अपना उसमें निकालना चाहिए। और जो एग्जिट ऑप्शन जैसे आपने बताया वो बहुत बहुत ज़रूरी है। लता जी, अब हमारे पास ऑडियंस से कुछ सवाल आ रहे हैं और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी, तो मुझे एक मिनट का टाइम दीजिए। रणदीप ने लिखा है कि लता जी आपको और आपके पति को नमन, शादी की सालगिरह मुबारक। आप क्या कहना चाहेंगी उन लोगों से जो राष्ट्रीय एकता और धर्म की एकता की बातें करते हैं लेकिन दूसरे कास्ट या दूसरे स्टेट के पात्र से उनके बच्चे यदि शादी करना चाहें तो फुरजोर विरोध करते हैं, और प्यार करने वाले ऐसे जोड़ियों से क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, मुझे लगता है जैसा कि मेरे जजमेंट में भी लिखा है, उसमें लिखा है कि समाज की एकता के लिए इंटरकास्ट मैरिज बहुत जरूरी है, तो इंटरकास्ट मैरिज होंगे उससे राष्ट्रीयता को कहीं कोई भी खतरा नहीं होता है। और हम अपने घरों में ही एक दोहरी मानसिकता लेके बड़े होते हैं, जब हम सुबह नहा धो के पूजा करने बैठते हैं तो राधा कृष्ण की आरती गाते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो मैं उन वही कि हम राधा कृष्ण कौन थे, राधा कृष्ण एक प्रेमी और प्रेमिका ही थे, तो आपने जब राधा कृष्ण को आप एक्सेप्ट करते हो अपने घर के मंदिर में जगह देते हो, हाँ, तो फिर प्रेमी अगर आपकी बेटी या बेटा जब लव मैरिज करके आता है या किसी से प्रेम करता है तब वो आप उसके लिए इतना ज्यादा उसके लिए बिल्कुल अलग भावना कैसे हो जाती है, तो ये दोनों बिल्कुल मुझे कहीं नहीं लगता है कि। और इंटरकास्ट मैरिज की शादी की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है शायद सबसे पहले इंटरकास्ट मैरिज शिव और पार्वती की थी। शिव जी तो एक मतलब ओगर थे जो एससी में आते हैं इस समय के, और पार्वती ये हिमाचल की पुत्री थी जो ब्राह्मण थे, तो उस समय उनको हम शादी की वेदी जब करते हैं तब भी उनके ही नाम से सारी शादी के संस्कार होते हैं, तो हम उनकी तो पूजा करते हैं, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, और वही हम यथार्थ में जब हमारी लाइफ में आता है तब हम उसको बिल्कुल नकार देते हैं। तो इस दोहरी मानसिकता से उबरना चाहिए, और ये शुरुआत हमारे घरों से ही होगी तो भी बेहतर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल पूनम नाग जी ने भेजा है और ये मैं पढ़ना चाहूंगी, ये मेरे फोन पर है। इसमें लिखा है, लता जी संघर्ष बड़ा लंबा और काबिले तारीफ है। हमारे देश में जातिवाद सबसे बड़ी समस्या है, जातिवाद से हमारा देश बहुत त्रस्त है। आज भी मुझे लगता है कि लोगों की मानसिकता नहीं बदली है, बहुत बार तो पढ़े लिखे लोग भी इस बारे में छोटी मानसिकता वाले लोग होते हैं। दुनिया चांद पर पहुंच गई है लेकिन हमारा देश अभी भी इन बातों में उलझा हुआ है, ऐसा अब कानून बनना चाहिए, ये पूनम जी का कहना है। इसमें कोई सवाल नहीं लिखा है लेकिन आपका इस बारे में क्या कुछ आप अपनी टिप्पणी भी दीजिए। कानून बनना नहीं चाहिए बल्कि कानून तो बना हुआ है, और मेरे जजमेंट से पहले भी बहुत सारे इंटरकास्ट उस पर कानून बने हुए हैं, बस जरूरत है कि हम उसको जानें। जब तक हम किसी चीज अपने राइट के बारे में जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे, तो हम कानून बने हुए हैं बस हम उसको थोड़ा सा जान लें।
एक और सवाल आया है और ये थोड़ा सा शायद कंट्रोवर्शियल या पॉलिटिकल आप मान लीजिए, लेकिन ये पूछा गया है कि एक नया कॉन्सेप्ट आजकल आया है, एक नया शब्द कुछ पॉलिटिशियंस भी यूज करते हैं, उसका उसको बोलते हैं लव जिहाद। शायद आपने सुना होगा जरूर इसके बारे में, तो इसके बारे में इस विषय पर आपकी क्या राय है? हाँ देखिए, मुझे ये लगता है कि जब रजामंदी होती है, रजामंदी अगर है, दो दो व्यक्तियों के बीच में अगर रजामंदी है, अगर वो एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, ये कोई मैटर नहीं करता है कि वो तो। और लव जिहाद अगर वो अगर देखें तो वो उसमें बहुत सारे हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चाहिए, तो वो ये लोग ये कहते समय जो हिंदू मुस्लिम शादी के खिलाफ हैं, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि जब हम हिंदू शादी करते हैं तो उसमें भी तो जन्म पत्रिका और पता नहीं क्या क्या चीजें लेते हैं ना, सारी चीजें। तो ये तो एक मतलब कंफ्यूज करने वाली बात है। तो मुझे नहीं लगता है कि लव जबरदस्ती हर जगह, हर धर्म में नाजायज है, हर देश में नाजायज है। जबरदस्ती किसी भी चीज में नहीं हो सकती और जबरदस्ती कोई रिश्ता निभाया भी नहीं जा सकता है। और लेकिन अगर रजामंदी है तो ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और शामी बवेजा जी की तरफ से एक सवाल आया है और वो ये कह रही हैं कि आप अपने बच्चे को किस तरह से सीख देंगे, और आई थिंक ये एक सवाल फिर आपका जो जवाब है वो हम लोग उसको अडॉप्ट करना चाहेंगे, कि ताकि उनके मन में ये कास्ट, क्लास, रिलीजन, इस टाइप के जो भेदभाव के विचार हैं, ताकि वो आए ही ना। आप पेरेंट्स को किस टाइप की एडवाइस देना पसंद करेंगी? हाँ देखिए, मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ उसके बाद में मैंने उसका शुरुआत में स्कूल में नाम सिर्फ अमृतांश लिखवाया। फिर वो सेवेंथ एट्थ में जब वो आया तो उसने बोला कि सबकी सबके उसके आगे सरनेम लिखा हुआ होता है, तो मेरे नाम के आगे सरनेम क्यों नहीं है। तो मैंने उसको पूरी बात बताई और मैंने बताया कि मैं तो राजपूत हैं और तुम्हारे पापा गुप्ता हैं, तो तुम्हें जो पसंद हो वो तुम लगा लो, जो तुम्हारी तुम्हारी जो भी तुम्हें पसंद हो, और बाकी जाति इन कास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी तरीके के मुझे लगता है कि मुझे हर पेरेंट्स को अपने घरों में अपने बच्चों को सीख देनी चाहिए, खासकर लड़कों को ये सीख जरूर देनी चाहिए कि जाति कोई मैटर नहीं करती है। जात की मतलब अगर मेरा बच्चा मेरी बच्चा कल को अगर लव मैरिज करने के लिए मुझे अगर बोलेगा तो मैं इस बात के लिए ये जरूर देखना पसंद करूंगी कि लड़की कैसी, ये नहीं देखना पसंद करूंगी वो लड़की किस कास्ट की है। तो मुझे लगे ये फीलिंग अपने बच्चों को शुरुआत से देनी चाहिए और बच्चों को फ्री रखना चाहिए कि वो अब मैंने जैसे अपने बच्चे को ये बाउंडेशंस नहीं है किसी भी लड़कियों से किसी तरीके से बात करने, बस आप बच्चे को सही और गलत सब कुछ बताएं और उसके बाद में बच्चे के ऊपर छोड़ दें, वो ज्यादा बेहतर होगा। शिल्पी सिंह का एक मैसेज, एक क्वेश्चन आया है, वो उन्होंने कहा है कि डिड दीज एक्सपीरियंसेस लीव यू बिटर, हाउ डू यू लुक बैक एट दोस डेज दैट यू स्पेंड रनिंग इन द कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस एक्सेट्रा। मतलब कि आप जब पीछे मुड़ के देखती हैं तो आपको कुछ लगता है कि आपको कैसा लगता है अपने संघर्ष की कहानी के बारे में, क्योंकि आपको मतलब भागना पड़ा था अपनी फैमिली से, आपके कोर्ट के जो चक्कर लगाने पड़े थे। एक्चुअली क्या है कि जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तब ये संघर्ष बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जब उस समय जब मैं कर रही थी तब ये हो रहा था कि जो स्थिति सामने आ रही थी और उस स्थिति के अकॉर्डिंग ही मैं फैसला ले रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, एक के बाद एक। लेकिन अगर शायद शादी करने से पहले ही सारा सिनेरियो मेरे सामने रख दिया गया होता कि ऐसा ऐसा होगा, तो मैं श्योर नहीं होती कि मैं आगे आगे पैर बढ़ाती। लेकिन उस समय ये था कि मेरी जिस तरीके की स्थिति आती गई, मैंने बस ये नहीं किया कि कभी गिव अप नहीं किया कि नहीं अब तो, क्योंकि इतनी ज्यादा मुझे लगता है संघर्ष के बाद में अपनी
मानसिक स्थिति को संतुलन में बनाए रखना ही बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। लोग सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, कई बार ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा फिनेंशियल प्रॉब्लम बहुत आई और भी चीजें बहुत ज्यादा हुई, लेकिन ये कि लगा कि ये आज का दिन है, कल इससे बेहतर हो सकता था। कुछ मैंने इस तरीके से अपने संघर्ष को डिवाइड किया कि मैंने हस्बैंड को कहा कि घर की जिम्मेदारी बहुत जरूरी है उठानी, तो आप ये सब करिए, आप मतलब कमाने में लगिए, आप घर की जो चीजें उठते हैं उसको पूरा किए और ये लड़ाई को मैं लड़ती हूँ। तो वो इस तरीके से हमने चीजों को डिवाइड किया कि ठीक है, अगर हम दोनों ही लोग कोर्ट के चक्कर लगाएंगे तो फिर कमाएंगे कब और खाने के लिए कौन देगा, तो ठीक है कोर्ट के चक्कर मैं लगाती हूँ, आप अपना काम करिए। इस तरीके से कि जब स्थितियां सामने आती गई और मैं उसको उसके साथ में उसकी चुनौतियों को स्वीकार करके आगे चलती रही, देखती रही कि क्या होना है। यह है कि हाँ दरवाजे ये सोच के चार दरवाजे खटखटाएगी, कहीं से दो से एक से तो हेल्प मिलेगी, तो उस चार दरवाजों तक जाने में मैंने कोई शर्म नहीं की बस। अगर आपको कभी कोई पुलिस वालों को मान लीजिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करना पड़े या वो लोग आपको बुलाएं कि आप हमें आकर कुछ बताइए, अपने कुछ एडवाइस दीजिए नए नए पुलिस ऑफिसर्स को, तो आप क्या एडवाइस देंगी अपनी तरफ से? एक्चुअली मैं चाइल्ड राइट्स के क्षेत्र में काम करती हूँ, तो आरपीए जो राजस्थान पुलिस एकेडमी है उसमें जाके मैं ट्रेनिंग देती हूँ, पर बच्चों से संबंधित है उन कानूनों को। पुलिस को लेके एक जो पुलिस वालों के दिमाग में जो एक मानसिकता होती है वो ये होता है कि वर्दी पहनने के बाद में जो भी सुन रहे हैं वो लोग माइंड ना करें, बिल्कुल सच है कि उनको लगता है कि अब वो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वर्दी उनके हाँ पहन ली है और हाथ में डंडा है तो वो सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं जब उनको देने जाती हूँ ट्रेनिंग, तो मैं तो बच्चों के संदर्भ में देने जाती हूँ, तो इसलिए उनको मैं बताती हूँ कि वो क्या नहीं कर सकते हैं। आप बच्चों को लाके लॉकअप में नहीं बैठा सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं अपने इस तरीके की केसेस में अगर उनको मुझे ट्रेनिंग देनी पड़े, तो एटलीस्ट पुलिस जब कोई भी पिता या कोई घर वाला ये कंप्लेंट लेके जाता है कि मेरी लड़की ने फला व्यक्ति के साथ में शादी कर ली है, तो पुलिस उसको बाय लॉ ना देख के पर्सनली ले लेती है। उसको लगता है ये तो उसकी इज्जत का सवाल हो गया है कि नहीं लड़की ने शादी की तो की कैसे, कर कैसे ली है, इस तरीके की मतलब ये क्या, इस तरीके का भी स्टेटमेंट होता है कि घर वालों माँ बाप का घर कोई धर्मशाला थोड़ी नहीं है कि आप 20 सालों तक खाए पिए और फिर जिसके साथ में मर्जी आई उसके साथ में चल दिए। तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये उनका राइट है, उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, तो इस ये उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर वो लॉ के बारे में अवेयर हो जाए थोड़ा, तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स उनके लिए आती हैं और जो कंप्लेंट करने जाते हैं उनके सामने, दोनों के सामने नहीं। हम लोग का तो एक्चुअली यही मानना है कि शायद पुलिस वालों को लॉ की ट्रेनिंग मिलती होगी, मगर ये मैं सुन के थोड़ा हैरान हूँ कि शायद बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं मालूम है कि जैसे जिस लड़की ने इस तरह से डिसीजन लिया है और वो बालिग है, तो ये उसका अपना खुद का राइट है, उसका मूल अधिकार है, वो उस सिर्फ उसी को एक्सरसाइज कर रही है। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल नहीं मालूम है। मतलब मुझे बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे अपना डिसीजन निकाल के लेके उनका जाना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है कि सर ये डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं लड़के के घर वालों को और आप ना ही लड़की को अरेस्ट कर सकते हैं। तो वो वाकई में उनको बहुत सारी नॉलेज नहीं होती है, बल्कि बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए ऑफिसर को भी नहीं पता होता है कि लॉ क्या है। एक सवाल है जो कस्तूरी गांधी जी ने लिख के भेजा है, लेकिन मैं चाहूंगी कि कस्तूरी गांधी इस पे लाइव आकर अपना सवाल पूछें। तो कस्तूरी, इफ यू आर ऑनलाइन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन नाउ। हाय, एक्चुअली आई जस्ट रीड आउट माय क्वेश्चन हिंदी बिकॉज़ आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट स्पीकिंग इन हिंदी, बट
थैंक यू लता जी. मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी शादी होने से पहले आपके क्या ख्वाब और सपने थे, आपके अपने जीवन से क्या उम्मीद थी, और आपके साथ ये सब हुआ उसके बाद क्या आपके उद्देश्य, क्या आपका उद्देश्य जो कंसेंशुअल, आई डोंट नो द हिंदी वर्ड फॉर इट, इंटरकास्ट और इंटरफेथ मैरिजेस को सफल बनाने में क्या वो बदल गया? वो मेरा क्वेश्चन था. ओके, एग्री. शादी से पहले 20 साल की उम्र में मैंने शादी कर, मेरी शादी हुई थी. उस समय मैं 20 साल की थी और मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब एक गांव का स्कूल होता है उसी तरीके से की है. ये है कि हाँ, थोड़े समय बाद में हाई स्कूल करने के बाद में, ये हमारे घर का ट्रेंड था कि हाई स्कूल करने के बाद में आगे की पढ़ाई लखनऊ होती थी. तो मैंने 12th और ग्रेजुएशन MA लखनऊ से किया हुआ है. मुझे हिंदी बहुत अच्छी, मैंने MA हिंदी से किया था. तो मुझे लिखने और पढ़ने का, कुछ पोएम्स लिखने का पढ़ने का बहुत अच्छा लगता है. पोएम्स आज भी मैं लिखती हूँ बहुत अच्छी. लेकिन शादी के बाद, करने के बाद में जो चीज़ें जो बदली है वो अपने संघर्ष को देखते हुए, तो मुझे लगता है कि मैं, और मैंने शायद उस रास्ते पे कदम भी बढ़ाया है, कि मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम्स मैंने की हैं, जो प्रॉब्लम्स जो मैंने झेली हैं, वो दूसरे लोग ना झेले अवेयरनेस की कमी की वजह से. मैं उनको बता पाऊँ कि उनके लिए सही प्लेटफॉर्म क्या है, चाहे वो बच्चा हो या महिला हो, कि उसके लिए सही क्या है. मैं डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करती हूँ तो मैं महिलाओं को बताती हूँ कि नहीं, अब वो उनके दिमाग में ये होता है कि नहीं, अगर मैं अपने ही पति के खिलाफ कुछ करूँगी तो मैं जाऊँगी कहाँ. तो उनको बताती हूँ कि नहीं, आप अपने ही घर में रह के कर सकते हैं, राइट टू रिलीजियस आपके हाथ में है, बहुत सारी चीज़ें. तो मेरा ये अब, मेरी लाइफ का अब ये एम है कि मेरे से ज़्यादा लोगों को मैं उनकी लाइफ को सही बना पाऊँ, हेल्प दे सकूं, बच्चों को, महिलाओं को, और मैं उसी रास्ते पे चल भी रही हूं. लता जी, आज का आखिरी सवाल है फिर से शामी बवेजा जी का, और इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, मैं फिर से आपके लिए पढ़ती हूँ. ये जानना चाहती हैं कि आपके हस्बैंड का कंट्रीब्यूशन कैसा रहा था इस पूरे संघर्ष में. देखिए, एक अगर हम दो लोगों ने शादी हम दोनों ही ने की थी, और अगर मेरे हस्बैंड इसमें सहयोग नहीं करते या पूरी फैमिली इसमें सहयोग नहीं करती, तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, ना सिर्फ हस्बैंड बल्कि मेरी पूरी फैमिली. क्योंकि कहीं भी ले जाने ले आने, जब जाते, शुरुआत में जब मुझे कहीं जाना होता था तो मेरे ब्रदर इन लॉ मेरे साथ में जाते थे. रिस्क मेरे साथ साथ में उनको भी बहुत रिस्क उतना ही होता था, लेकिन वो लोग पीछे नहीं हटते थे इस बात से. तो सहयोग ना सिर्फ हस्बैंड का बल्कि पूरी फैमिली को ही है. और आज ये है कि आज हम पूरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, 6 भाई है, हम लोग एक साथ ही रहते हैं, परिवार में कोई डिफरेंसेस नहीं है. हस्बैंड ने कभी सबसे अच्छा मेरे लिए ये रहा कि मैंने जो कुछ भी मैं करना चाहती हूँ उसके लिए मुझे रोका नहीं है. मैंने अपने डिसीजन के बाद में मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं बाहर निकलूंगी लोगों की मदद के लिए. मैंने चाइल्ड राइट्स के एक्टिविस्ट के रूप में अपना रास्ता चुना, तो उसके लिए मुझे रोका नहीं है. मेरी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिससे काफी पुरुष लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कि जैसे मेरी मदर इन लॉ बोलती हैं कि नहीं, तुमको तो सिंदूर लगा के ही रखना चाहिए, चूड़ी पहन के ही रहनी चाहिए, सुहागन का गला सूना नहीं रहता है. तो मैं कहती हूँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई सिंबॉलिक चीज आपका लड़का भी तो लगाए कि शो शादीशुदा है, तब तो ठीक है. तो मेरे हस्बैंड का ये नहीं रहता है कि नहीं, ये तो बड़ी पुरुष विरोधी बातें करती है, ऐसा नहीं होना चाहिए. उनको लगता है जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है. एक आखिरी सवाल है हर्ष गोयल की तरफ से, और हर्ष, ये आंसर आप खुद ही पूछिए, सवाल खुद ही पूछिए लता जी से. हर्ष, यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक, एंड आई थिंक दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन बिकॉज़ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम.
रता जी, सबसे पहले शादी की सालगिरह मुबारक हो आपको। मेरा प्रश्न है कि अगर आपके भाइयों ने अंतर जातीय विवाह किया होता, क्या उनको भी परिवार से इतनी कठिनाई होती और इतना संघर्ष करना होता? आपकी इस मामले में क्या राय है? मुझे लगता है कि शायद उनको इतना संघर्ष नहीं करना होता, बिकॉज वो पुरुष हैं। आप इस बात को माइंड मत करिएगा, क्योंकि संघर्ष जो होता है वो महिलाओं के हिस्से में ज्यादा आता है। पुरुष को ये लगता है कि वो जो कुछ, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए सारी चीजें सही हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारी बंदिशें हैं, तो उनको उतना ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, मुझे, मेरी जहां तक वो है। और आगे के लिए मैं, जो मेरी भाइयों की शायद बेटियां हैं, तो मुझे लग रहा है कि जब शायद कभी, ईश्वर न करे कि उसके सामने ऐसी स्थिति आए, लेकिन अगर उनकी लड़कियों ने इंटरकास्ट मैरिज की, तो वो शायद उसके लिए उतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि एक बेटी का पिता होने में और एक पिता जैसा प्यार देने में, पिता जैसा होने में बहुत अंतर है। और शायद मुझे भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी पड़ती अगर मेरे मदर फादर जिंदा होते तो, क्योंकि वो मदर फादर अपने बच्चों को इतनी प्रॉब्लम्स में शायद नहीं देख सकते हैं। ओके, लता जी, ये आज हमारे कार्यक्रम का आखिरी सवाल था, तो हमें अपना कार्यक्रम यहीं पर अंत करना पड़ेगा। आप हमारे साथ आज आईं और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करी, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत यकीन से कह सकती हूँ कि आपकी कहानी सुनकर हम सब इतने ज़्यादा प्रेरित हुए हैं इस बात को लेकर कि संघर्ष चाहे जो भी हो लाइफ में, अगर जो जो व्यक्ति वो संघर्ष को झेल रहा होता है, वो डटा रहे संघर्ष में और पीछे ना हटे, तभी उस संघर्ष का आप उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और ये हमें बहुत बड़ी बात सीखने को मिली है आपकी लाइफ से। और आप इतना सारा अच्छा काम भी कर रही हैं चाइल्ड राइट्स में और डोमेस्टिक वायलेंस के उसमें, और आपको इसमें बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। थैंक यू। थैंक यू लता जी, आप आज आई हमारे साथ जुड़ी और इतनी सारी बारीकियां और जानकारी अपने संघर्ष के बारे में इतनी क्लैरिटी और सफाई से हमारे साथ बांटी, इसके हम बड़े ही आभारी हैं, बड़े ही शुक्रगुजार हैं। मैं और मेरे कोलीग काफ़ी भावुक हो चुके थे एट सेवरल पॉइंट्स। आपकी स्फूर्ति और पैशन से हम जो इतना प्रेरित हुए हैं, आशा करते हैं कि सभी आपसे इतनी ही प्रेरणा ले। शुक्रिया प्रिया, प्रिया और समर इस चर्चा को ILP की तरफ से आयोजित करने के लिए। इस दोपहर हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार।